हाज़र हुए हैं हमारा टॉपिक है, है गैसेस एक्सचेंज जो कि क्लास टेंथ की बायो के चेप, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है तो आज हम जो है वो डिटेल में गैसेस एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो बेसिक्स कुछ डेफिनेशन वगैरह हैं सेलर स्पायरेशन ब्रीथिंग वगैरह तो इनको डिस्कस करेंगे तो गैसेस एक्सचेंज बेसिकली होता है गैसेस के तबादले को बोला जाता है यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किस तरह गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है गैसेस एक्सचेंज सो हम गैसेस एक्सचेंज को देखते हैं गैसेस एक्सचेंज इज़ द प्रोसेस दैट अकर बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैश एक्सचेंज क्या एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो है वो होता है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को एक्जेल करना यानी कि आउटसाइड मूव करवाना ये प्रोसेस जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहलाता है ऑक्सीजन इज पास फ्राम द लंग टू द ब्लड स्ट्रीम ऑक्सीजन जो है यानी कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक अगर हम ह्यूमन या एनिमल्स की बात करें तो ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो लंग से किधर जा

कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है अगर हम सिंपल जो है वो रिस्पायरेशन को देखें तो सिंपल जब रिस्पायरेशन की टर्म यूज़ होती है तो हमारे माइंड में क्या रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो है वो टर्म्स माइंड में आती हैं लेकिन जब स्पेसिफिक आ जाए सेलुलर रिस्पायरेशन तो तो उसका मतलब क्या है ये कोई एक केमिकल रिएक्शन है ठीक है तो सेलुलर रिस्पायरेशन मतलब सेल के अंदर कोई ऐसा केमिकल प्रोसेस हो रहा है जिसको नाम दिया जाता है सेलर रिस्पायरेशन का तो अगर हम सेलर रिस्पायरेशन की बात करें तो सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो बे बेसिकली क्या है ब्रेक डाउन होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ठीक है अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आता दर से है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हम फूड खाते हैं उस फूड के अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है तो सेलर एक्सपायरेशन के अंदर बेसिकली क्या है ये ब्रेक डाउन है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या कौन सी चीज रिलीज होती है एनर्जी रिलीज होती है ठीक है यानी कि जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो रिलीज होता है सॉरी ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में तो क्या हम लोग जो है वो एनर्जी डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं नहीं इस एनर्जी को जो है वो हम ट्रांसफर करते हैं द फॉर्म ऑफ ए और सेल जो है वो एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं ऑल वे सेल जो है वो एनर्जी ए की फॉर्म में जो है वो बॉडी में लेते हैं ठीक है तो सेलर इस्पायरेशन बेसिकली क्या है सेलर स्पायरेशन अ प्रोसेस बाय विच द सेल्स इन प्लांट एंड एनिमल ब्रेक डाउन द शुगर एंड टर्न इट इनटू द एनर्जी यानी कि सेलर इस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट्स की अगर हम बात करें या एनिमल्स की यानी कि होल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो उनके अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर की ब्रेक डाउन होती है अब शुगर किस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बनती है ना तो शुगर की ब्रेक डाउन होती है एंड टर्न इट टू द एनर्जी और इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है देन सेल इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी तो ये हमारे पास आ जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस ठीक है मतलब अगर हम देखें तो सेलुलर रिस्पायरेशन में ग्लूकोस का एक मालिक्यूल है ग्लूकोस और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं एनर्जी है? रिलीज है होती है फर्दर तो कन्वर्ट करके ए में कन्वर्ट किया जाता है और सेल एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए ठीक है और इस फॉर्मेशन में यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में कौन सी दो चीजें रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर

प्रोसेस है ठीक है यानी कि इसमें पूरा अगर आप देखें तो पूरी क्या एक पूरी केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर यानी कि फोटोसेंसिस की तरह जैसे फोटोसेंसिस के अंदर एक प्रॉपर रिएक्शन होता है ना उसको अगर हम उल्ट कर दें तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन बन जाता है रिस्पायरेशन का सेलुलर रिस्पायरेशन का जो है वो रिएक्शन बन जाता है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रीथिंग यानी कि ब्रीथिंग अब क्या होती है ब्रीथिंग मीन टेकिंग इन एयरिच इन द ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द एयरिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स यानी कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की मदद से हवा को अंदर लेकर जाना कौन सी हवा ऐसी हवा जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है होती है और गिविंग आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी एयर को बॉडी से बाहर लेकर आना जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा मकदार में प्रेजेंट हो किसकी मदद से विद हेल्प ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की मदद से इनहेलेशन और एक्सिलेशन जो है इसको बोला जाता है दैट इज द ब्रीथिंग ठीक है अब इनहेलेशन और एक्सिलेशन क्या होती है टेकिंग इन टू दॉडीलेशन यानी कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाना उसको बोला जाता है इनहेलेशन एंड द गिंग आउट द एयरिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी हवा को बॉडी से बाहर लेकर जाना जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं एक्सिलेशन इनहेलेशन मतलब अंदर लेकर जाना इन मीन अंदर लेकर जाना इनहेल करना और और e के exit भी होता है तो exhalation mean outside move करवाना, है तो तो करवाना ठीक ये क्या क्या होते हैं है? में ऑक्सीजन को अंदर अंदर लेकर जाया जाता है और एक्लेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से आउटसाइड मूव करती है ठीक है अब हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि अगर हम ब्रीथिंग की बात करें और सेलर एक्सपायरेशन की हमने बात की तो बेसिक इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है ठीक है यानी कि हम कहते हैं कि सेलर एक्सपायरेशन हमारे पास क्या है? हमने बोला कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है ठीक है जबकि तो ब्रीथिंग हमने क्या बोला फिजिकल प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस इन द टर्म कि ब्रीथिंग में क्या है कि डायरेक्टली जो है वो हम फिजिकली सांस ले रहे हैं के साथ जब हम लेते हैं तो हवा को जो है वो हम लंग्स की तरफ लेकर जा रहे हैं वहाँ वो, वो ब्लड स्ट्रीम से जो है ब्लड से मिक्स होती है एंड देन ब्लड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा लंग्स में आती है एंड उसको हम जो है वो रिलीज कर देते हैं एक्सेल कर देते हैं ठीक है तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता ठीक है यानी कि सिंपली क्या होना है ब्रीथिंग के प्रोसेस में एक फिजिकल प्रोसेस है फिजिकली जो है वो हम इसमें क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी को बॉडी के अंदर जो है वो लेकर जाते हैं जबकि सेलुलर इस्पारेशन की अगर हम बात करें तो सेलुलर इस्पारेशन क्या पूरा होल एक बायोकेमिकल प्रोसेस है ठीक है सेलुलर स्परेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या एक है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है ठीक है जिसमें क्या है पूरा एक रिएक्शन होता है यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो कंप्लीट रिएक्शंस के थ्रू यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटते हैं जब वो टूटेंगे तो कौन सी चीज़ रिलीज़ होगी एनर्जी रिलीज़ होगी ठीक है तो ये क्या एक केमिकल प्रोसेस है किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रही है तो ये ब्रेक डाउन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है यानी कि पूरा क्या ये है ये केमिकल रिएक्शन है सेलर इस्पायरेशन के अंदर लेकिन अगर हम देखें में अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जब ब्रेक होना है तो ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़नी है तो ये ऑक्सीजन किधर से आएगी ये ऑक्सीजन आती है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग ब्रीथिंग के प्रोसेस से आती है यानी कि जो हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं वो ऑक्सीजन जो है वो हेल्प आउट करती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में तो इट्स मीन हम ये भी कह सकते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है ये हमारे पास फिजिकल प्रोसेस भी है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी है ठीक है अब इनके डिफरेंस को देख लेते हैं डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग में क्या है कि ब्रीथिंग

जिसके अंदर हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं और कौन सी चीज़ रिलीज होती है अनर्जी रिलीज होती है विच इज़ देन यूज बाय द सेल जो बाद में सेल जो है वो यूज़ करते हैं टू कैरी आउट द सेलर फंक्शन अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल फिर क्या करते हैं उस अनर्जी को यूज करते हैं ठीक है थीके? अब सेकेंड डिफरेंस क्या है प्रोसेस अकरिंग यानी कि ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है या फिर सेलर स्परेशन का प्रोसेस है तो ये कहाँ पर अकर हो रहा है ठीक है तो अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग टेक प्लेस इन द लंग ब्रीथिंग कहाँ पर होती है लंग्स में होती है आल्सो इन्वॉल्व द नोज माउथ एंड फेरिंग्स और इसके अलावा जो ऑर्गन इसके अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं नोज माउथ और फेरिंग्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जबकि रिस्पायरेशन कहाँ होती है रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द सेल यानी कि सेल और रिस्पायरेशन जो है वो बेसिकली सेल के अंदर होती है इसलिए इसको क्या बोला जाता है सेल्युलर रिस्पायरेशन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यानी कि दोनों जो प्रोसेस हैं एक ब्रीथिंग का सेलूलर रिस्पायरेशन का इनमें कितनी कितनी एनर्जी की जो है वो प्रोडक्शन होती है देर इज अ नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस यानी कि ब्रीथिंग के प्रोसेस में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती हमने कहा कि कोई इसमें केमिकल प्रोसेस नहीं है ठीक है ये सिंपली क्या एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं टूवर्ड द लंग्स लंग्स ब्लड स्ट्रीम जो है वो ब्लड में जाकर मिक्स हो जाती है ठीक है जबकि अगर हम सेलर स्पायरेशन की बात करें तो अनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी तो ये क्या है क्योंकि केमिकल प्रोसेस है तो के अंदर क्या होता है अनर्जी प्रोड्यूस होती है और किस फॉर्म में रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी सेलुलर एक्टिविटीज ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलुलर एक्टिविटीज की तो एज इट अकर आउटसाइड दिस सेल इट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस क्योंकि ये प्रोसेस जो है ब्रीथिंग का प्रोसेस ये आउटसाइड द सेल होता है इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस भी बोला जाता है ठीक है अकर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है ये ऑर्गेनिज्म और एक्सटर्नल बायर का जो इन्वायरमेंट है उसके दरमियान होता है ठीक है सेल के अंदर नहीं हो रहा इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस जबकि एज एट अकर इन साइड द सेल इट इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर प्रोसेस जबकि सेलर स्पारेशन जो है वो इन साइड द सेल होता है इसलिए इसको इंट्रा सेलुलर प्रोसेस भी बोला जाता है ठीक है उसके बाद हम अगर बात करें इंजाइम्स यूज की तो नो इन्जाइम्स आर यूज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यानी कि ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर कोई इंजाइम्स यूज़ नहीं होते इंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है कैटेलाइज करना यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इंजाइम्स को यूज़ किया जाता है जबकि ब्रीथिंग के अंदर तो किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है तो इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई इंजाइम भी प्रेजेंट नहीं होता अलार्ज नंबर ऑफ़ इजाइम्स आर यूज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सेलर रिस्पायरेशन क्या है क्योंकि ये क्या एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इसलिए लार्ज नंबर ऑफ़ इन्जाइम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इस प्रोसेस के दौरान ठीक है उसके अलावा कौन कौन से ऑर्गन जो है वो इन्हें चाहिए होते हैं तो ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग अपडायरेटरी ऑर्गन इंक्लूडिंग द नोज लंगस एट्सेट्रा यानी कि ब्रीथिंग जो है वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन के थ्रू होती है जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं नोज आ जाता है लंग्स वगैरह आ जाते हैं ठीक है जबकि रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द सेल एंड सेल तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जब वो सेल्स के अंदर होता है उसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेलीस इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गए ठीक है तो ये था बेसिक हमारे पास डिफरेंस किसके दरमियान ब्रीथिंग और सेल और रिस्पायरेशन के दरमियान तो आज के हम अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं बेसिकली आज के लेक्चर में हमने गैश एक्सचेंज के बारे में पढ़ा कि गैशिज एक्सचेंज होता क्या है ब्रीथिंग क्या है मतलब बेसिक डेफिनेशन जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं ठीक है अपने एक नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्दी ही मिलते हैं होप सो आपको जो है वो ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा फिर भी अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको काली लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज